बाद में संकट आया हमारे ऊपर, ये अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान, ये आपका गजेंद्र शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है, इन सब ने मिलकर षड्यंत्र किया, पैसे बांट दिए राजस्थान के अंदर भी, पैसे वापस ले नहीं रहे वो लोग। मुझे चिंता लगी हुई है, पैसा क्यों नहीं ले रहे वो, वापस क्यों नहीं मांग रहे इनसे पैसा। मैंने यहाँ तक कह दिया हमारे MLA को, जितने पैसा लिया है मान लो 10 करोड़ लिया है, 20 करोड़ लिया है, जो भी लिया है, कुछ खर्च कर दिया हो, वो खर्च किया पोर्शन मैं दे दूंगा, AICC दिलवा दूंगा उनको वापस। अमित शाह को 10 करोड़ दो वापस, 15 करोड़ दे, 15 करोड़ दो उसको, उसका पैसा मत रखो। उसका पैसा रखोगे हमेशा अमित शाह आपके दबाव बना रखे, वो गृह मंत्री भी है। तो मैंने MLA को कहा है तुमने गलती कर दी, कोई बात नहीं, भूलो माफ करो, तुमने खर्च कर दिया 1 करोड़ 2 करोड़ खर्च कर दिया, बता दीजिए मुझे, वो मैं खाना पूर्ति करूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को क्या करके, उनका पैसा वापस दो आप लोग, ये दबाव मेरे, आप ईमानदारी से काम कर सको और मैं पूरा साथ दूंगा आपका, मेरी ड्यूटी बनती है। तुमने गलती कर दी और मैंने बुरे आपने मुख्यमंत्री बनाया है, राहुल गांधी ने बनाओ, सोनिया गांधी ने बनाओ, 3-3 बार बना दिया, तो मेरी ड्यूटी बनती है मैं पुरानी बातें भूल के सबको साथ लेके चलूं, काम में मैंने कोई कमी नहीं रखी किसी के भी। एक बात तो और स्पष्ट हो गई है, सामान्य मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य मुख्यमंत्री जी की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं है बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंधरा जी कर रही थी। तो ये जो विरोधाभास है इसको समझाना चाहिए, आप कहना क्या चाह रहे हैं ये स्पष्ट कर देना चाहिए। इन सब लोगों पर इस प्रकार के आरोप लगा देना मैं समझता हूँ बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है, और मैं सिरे से इन बेबुनियाद और झूठे आरोपों को नकारता हूं। बहुत से साथियों को मंत्री बनाया सरकार के अंदर, बड़े बड़े पद दिए गए, कोई चेयरमैन है, कोई कॉरपोरेशन में मेंबर है, कोई पार्टी के पदों पर बैठे हैं, 3 साल हो गए। ऐसे लोग जो पब्लिक लाइफ में रहे, जिन्होंने अपना नाम कमाया, जिनकी एक साख है, उन पर आरोप लगा देना कि आप चंद रुपए में बिक गए, मैं इसको बहुत गलत मानता हूं। और 3 साल से कोई कार्रवाई आपने नहीं करी, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है।